नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बॉलीवुड पैसेंजर में। आज इस वीडियो में सनसनी खबर ये है कि बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस और अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर ने एक यूट्यूबर को भेजा लीगल नोटिस। तो जानते हैं आखिर वो यूट्यूबर कौन है और उसे सोनम कपूर ने क्यों भेजा लीगल नोटिस। तो दोस्तों, कुछ महीने पहले यूट्यूबर रागिनी ने एक वीडियो शेयर किया जिसका टाइटल था सोहम कपूर नॉट अ रोस्ट वीडियो। और इस वीडियो में रागिनी ने सोनम कपूर के एक वीडियो इंटरव्यू में कही बातों का मजाक उड़ाया था। देखते ही देखते ये वीडियो काफी वायरल हुआ। इसी के बाद सोनम कपूर की ऑनलाइन कंपनी जो इंटरनेट पर एक्ट्रेस की रेपुटेशन मैनेज करती है ने कंटेंट क्रिएटर रागिनी को एक नोटिस भेजा और नोटिस में लिखा था कि इस वीडियो को शेयर करने का हमारे क्लाइंट ने कोई अधिकार नहीं दिया है, प्लीज इस लिंक को डिलीट करें। नोटिस में रागिनी को ये भी कहा गया कि यदि वो इस रिक्वेस्ट को इग्नोर करेगी तो सोनम कपूर अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए जरूरी कार्रवाई करेगी। इस नोटिस के मिलने के बाद रागिनी ने एक और वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने फिर सोनम कपूर का मजाक उड़ाया और साथ ही साथ खुद को डिफेंड भी किया। अब आगे देखना है दोस्तों कि सोनम कपूर और उनकी कंपनी क्या स्टेप लेती है, क्योंकि रागिनी के डिफेंडिंग वीडियो को कई यूजर्स और मीडिया का काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है और नोटिस के बाद उनके फॉलोवर्स भी बढ़ गए हैं। रागिनी का कहना है कि उस रोस्ट वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं था कि सोनम लीगल नोटिस जारी करे। तो दोस्तों, सोनम कपूर के इस तरह के रिएक्शन पर आपकी क्या राय है कमेंट करें और बताएं। मेरा वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।